अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये कोई प्रैंक नहीं है, कोई चैलेंज वीडियो नहीं है। तो इस वीडियो का मतलब है कि मैं घर पे बैठा हुआ था और मेरा कॉल आया दोस्त का। उसने कहा कि यार ओप्पो लॉन्च इवेंट है यहाँ पे, ओप्पो i9 2020 का लॉन्च इवेंट चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा कहाँ पे? उसने कहा सदर मोबाइल मार्केट में चल रहा है लॉन्च इवेंट, तो आपको हर हाल में आना होगा। तो मैंने ये कहा कि मैं आ नहीं सकता, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, बहुत सारे काम पड़े हैं पीछे। तो उसने कहा नहीं भाई, आपको हर किस्म में आना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं होगा। उसने ज़बरदस्ती मेरे को वहाँ पे बुला लिया, ये समझो अच्छा दोस्त है मेरा काफ़ी, तो उसने ज़बरदस्ती बुला लिया मेरे को। अब मैं क्या करूँ? तो मैं चला गया वहाँ पे, भाई ने पैकिंग वगैरह सब कर ली, मैं चला गया वहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं आपको वहीं पे, लेट मी नो। बोल ले, एक मिनट एक मिनट, 50 पहले टारगेट तो पूछ लो। 100 बस ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता होए होए, कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता पक्का पपीता। नहीं कर पाएंगे, वो क्या भी कर दे। थोड़ा भाग के जाना है नीचे, यहाँ से स्टार्ट करना है। दो दोस्तों, 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 दो दोस्
देखा किस तरह कर रहा, भागना है आपको। तो इसमें कुछ काइंड ऑफ फनी स्टफ था वहाँ पे, कुछ चैलेंज बहुत सारे थे। तो एक वीडियो में था कि आपको ये कहना है कि कच्चा पपीता समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, ऐसे कुछ था, आप खुद देख लीजिए वीडियो में। तो ऐसे कुछ था वहाँ पे, मुझे बहुत हंसी आई कि जो लास्ट में जो बंदा बच गया था उसको एक अच्छा सा गिफ्ट मिला चाहिए था, लेकिन उसको सिर्फ एक मग मिला था मेरे ख्याल से, होप सो आई थिंक सो, एक मग ही मिला था। तो थोड़ा अफसोस लगा वहाँ पे, तो मैंने कहा देसी मजाक में, तो वीडियो बना ली मैंने, ठीक है। उसमें मैं ब्लॉगिंग ये वजह से नहीं कर पाया क्योंकि रश बहुत था वहाँ पे, तो आपको पता है कोई ऐसे फ़ोन को होल्ड नहीं कर सकता, कोई कैमरा को ऐसे होल्ड नहीं कर सकता कि मैं वो कहे कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ रश में। एक दफ़ा पीछे से आपको कोई पुश करेगा, एक कोई आगे से पुश करेगा, तो मज़ा नहीं। काफ़ी शोर था वहाँ पे, कुछ स्पीकर्स वहाँ पे थे, तो आपको पता है स्पीकर्स में ब्लॉग में नहीं कर सकते हो, कोई साउंड इफेक्ट ही नहीं आएगी वीडियोस में, तो मैंने इसलिए नहीं कर पाया। लेकिन मैं जो वीडियो का शूटिंग था वो मैंने कर लिया सिर्फ आप लोग को एंटरटेन करने के लिए। तो यही मेरा मकसद था। पिछले 4 दिनों पहले मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था, वो ब्लॉग था, उम्मीद कर मैं आई थिंक सो दैट द ब्लॉग वॉज गुड। और जो सपोर्ट आप लोग दे रहे हो, मैं बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ आप लोग का, क्योंकि जितना आप लव और सपोर्ट दे रहे हो मुझे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आगे, ऐसे ही मैं ब्लॉग्स अपलोड करता रहूँगा। अच्छा, अगर आप लोग के जहन में ये बात होगी कि आपके चैनल ब्लॉगिंग का है, आपने ये वीडियो क्यों अपलोड किया, तो जो मेरा मेन रीज़न था इस वीडियो बनाने का, जो मेरे दोस्त ने कहा था कि ये एक लॉन्च इवेंट है, आपको आना होगा, क्योंकि कोई और वहाँ पर नहीं था, तो I was the only one, I think so, who was filming over there. तो इसलिए मैं चला गया, ठीक है। लेकिन ये वीडियो था अच्छा, और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मैं जो ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ थोड़े, लेकिन काम बहुत हैं इधर उधर, और मेरा कुछ पेपर वर्कस भी चल रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से डेली व्लॉगिंग का। और जैसे पहले बताया था कि मेरा उर्दू इतना ठीक नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना उर्दू की क्लासेज ले लूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से उर्दू क्लासेस भी ले लूँगा और उसके बाद डेली ब्लॉगिंग भी कोशिश करूँगा। तो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन और गिव अ थम्स अप, एंड मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो द हाउ द वीडियो वॉज इट फनी और नॉट। ओके सो